कल शाम को जब हम लोग ले पहुंचे, इट वॉज रेनिंग हेविली एंड बट थैंक गॉड हम लोगों का पूरा लेह लद्दाख का ट्रिप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. सब कुछ अभी ठीक ठाक से खत्म होने वाला है. बट आज के लिए प्लान बहुत सिंपल है. लेह में जितना भी स्पॉट हम लोगों का देखने के लिए बाकी था वो आज हम लोग कवर करने वाले हैं एंड पूरा लेह लद्दाख का ट्रिप कंप्लीट करने वाले हैं. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन. सो राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग विद जनांग होटल का जो मैनेजर साहब है नसीब जी. तो उनसे मिलते हैं और पूछते हैं कि इस होटल के बारे में. सर हमारा होटल ये अप्रैल में ओपन होता है सर. अच्छा. और ये अक्टूबर में बंद होता है सर. अप्रैल टू अक्टूबर 6 महीने का 6 महीना होता है सर. अच्छा. सर 23 रूम है हमारा. 23 रूम. और बुकिंग वगैरह करें तो कैसे करें? बुकिंग सर आप डायरेक्ट कर सकते हैं सर, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, booking.com से भी कर सकते हैं. आपका जो कार्ड हम लोगों ने लिया वो कार्ड पे जो नंबर लिखा है व्हाट्सएप वहाँ से हो जाएगा? कर सकते हैं सर, ऑनलाइन भी booking.com पे कर सकते हैं. और जिस प्राइसिंग कितना रेंज पे रहता है? प्राइस सर हमारा ऐसे 6500 है और ब्रेकफास्ट डिनर के साथ 5000 आ गया. सीपी कितने सर? मतलब 5000 से 6500 ऊपर नीचे होता है. हो जाएगा सर. ये ले एयरपोर्ट से बहुत नज़दीक है. 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर सर. 2 किलोमीटर तो आप यहाँ पे रुक सकते हो अगर फैमिली के साथ आ रहे हो, बैचलर्स लोग आ रहे हो यहाँ पे रुक सकते हो. मार्केट से भी 1 किलोमीटर दूरी पे है. पहचान कर रखो, अगर आए तो डायरेक्ट यहाँ पे कांटेक्ट कर लेना. ठीक है, चलो थैंक यू. ये जो प्राइस रेंज है 5000 से 6000, ये जो ले मार्केट एरिया के आसपास है ना, मतलब मैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रेंज पे बोल रहा हूँ, हर एक का यही प्राइसिंग है. और मैं एग्जैक्ट प्राइसिंग आप लोगों को नहीं बोल सकता बिकॉज हम लोग का जो ट्रिप है ये पैकेज ट्रिप है, वहाँ पे ब्रेकअप वगैरह हम लोगों को दिखता नहीं है. तो या उसके हिसाब से आप बुक करो. सो दैट इज होटल जैनांग. सो वी आर हियर एट द हेमिस गोम्पा और द हेमिस मोनेस्ट्री, 45 किलोमीटर्स फ्रॉम द ले मेन टाउन. ऊपर जाने वाले हैं, दिखाता हूँ और क्या क्या है यहाँ. ए स्मॉल विकी अबाउट हेमिस मोनेस्ट्री. लाइक आई मेंशन, इट्स 45 किलोमीटर फ्रॉम ले मेन टाउन एंड इट इज द लार्जेस्ट एंड द वेल्थीएस्ट ऑफ ऑल मोनेस्ट्रीज इन लद्दाख. सो हेमिस मोनेस्ट्री पे एंट्री करने के लिए आपको ये टिकट काउंटर से टिकट लेना पड़ेगा. टिकट का प्राइस है ओनली 50 रुपीज़ फॉर इंडियन. फॉरिनर्स लोग के लिए टिकट प्राइस डिफरेंट है क्या? 100 है फॉरनर्स के लिए, 100 और इंडियन के लिए 50. एक चीज़ मेरे को अच्छा लगा, ये हेमिस का जो टिकट है इसके ऑपोजिट साइड पे आपको पूरा मैप दिया हुआ है कहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 करके मार्क करके दिया हुआ है. दैट इज अ गुड थिंग. सो लेट्स गो. इन द ईयर 1672 दिस मोनेस्ट्री वॉज रिकंस्ट्रक्टेड बाई द लद्दाखी किंग सेनगे नामग्याल. एंड जो हर साल यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है हेमिस फेस्टिवल बोल के, डेडिकेटेड टू पद्मसंभवा, ये जून के फर्स्ट वीक में होता है. तो उस टाइम पे अगर आ रहे हो तो यू कैन विजिट दैट हेमिस फेस्टिवल आल्सो. इधर म्यूजियम है, हेमिस म्यूजियम. जूता बाहर खोल के आपको अंदर जाना पड़ेगा. एंड दैट इज साइड द बुद्ध टेम्पल एंड दैट इज द मेन टेम्पल ऑन दैट साइड. एकदम पहाड़ों के बीचों बीच ये हेमिस मोनेस्ट्री है. यहाँ पर ना आए तो आपका ले आइटिनरी विल बी इनकम्प्लीट. काम पीसफुल एटमोसफियर है चारों तरफ. एंड ये जो स्ट्रक्चर वगैरह देखो बहुत पुराना है, लाइक 1672 में बिल्ट हुआ था, रीबिल्ट हुआ था, तो उसके हिसाब से स्ट्रक्चर वगैरह तो अभी भी इंटैक्ट लग रहा है. Surprised to hear that Hemis is considered as an important monument and living heritage in the Himalayas. And ye Hemis ka around 200 se bhi zyada branches hai across Himalayas and 1000 monks under its care. So inside Hemis Museum, photography and videography were strictly prohibited. I must tell you, literally we got spellbound to see the rich and rich culture and heritage of Buddhism and their livelihood, how they used to live. Everything has been showcased here in this Hemis Museum. Leh Ladakh pe aa rahe ho to Hemis Museum is a must visit place. Like hum log abhi soch rahe ki pehle din ye kyun nahi dekha, but I can understand. Yahan pe jane ke liye aapko ek alag route pakadna padega, but yahan pe ho to Hemis Museum is a must visit place. Must. This Hemis Museum holds 3 Guinness World Record, 2 times the most number of plants planted simultaneously. That was 2 times. And another one is the largest Ladakhi dance has been organized here. 3 Guinness World Record. सब कुछ अंदर सजा के रखा था, हम लोग वो अच्छे से पढ़ रहे थे, फिर आपको जाके यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ. सो इनसाइड दिस बुद्ध टेम्पल ऑल्सो फोटोग्राफी इज नॉट अलाउड, बट देयर इज ए गोल्ड फेस्ड बुद्ध स्टैचू. ये कैमरा पे आपको नहीं दिख रहा होगा, गोल्ड फेस्ड एक बुद्ध स्टैचू है
humongous in size. You need to keep a lot of time in your hand because ये तो 30 minutes से 45 minutes से cover होने वाला नहीं है. Minimum 1-2 घंटे तो लगने ही वाला है. बहुत सारा इसका अलग अलग स्ट्रक्चर से पार्ट से यू नीड टू विजिट म्यूजियम टेम्पल बुद्ध टेम्पल मेन टेम्पल एवरीथिंग. सो या यू नीड टू कीप मच टाइम इन योर हैंड. By Hemis Monastery, you are one of the best that I've ever seen. After Hemis Monastery, we have just stopped in front of the beautiful and popular Tikse Monastery at Leh. But this is not the entry point. Entry point आगे हम लोगों को जाना पड़ेगा. यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत खाना वगैरह खा लेते हैं. बहुत देर से भूखे हैं. But इधर से जो view मिल रहा है पूरा Tikse Monastery का, लाजवाब. So this is the entry point of Tikse Monastery. यहाँ पे भी टिकट काउंटर है तो टिकट ऑब्वियसली लेना पड़ेगा. फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री नहीं है. सो टिकसे मेन गेट के एकदम सामने टिकट काउंटर है. एंट्री फी इज ₹50 पर हेड एंड वी आर टेकिंग टिकट फॉर 6 पीपल ₹300. शो द टिकट हियर. ओके दिस इज द टिकट फॉर 6 पीपल. सच बताओ तो हम लोग का जो ले का फर्स्ट डे और सेकंड डे का आइटिनरी था उसमें मॉनेस्ट्रीज वगैरह इंक्लूड नहीं था. बट ये हेमीज और तिक्से आर द टू बेस्ट मॉनेस्ट्रीज आई हैव एवर सीन इन माय एंटायर लाइफ. मतलब बहुत पॉपुलर है बट मिस हो जाता. अगर नहीं आता तो मिस हो जाता. थैंक गॉड वी हैव ऑन एक्स्ट्रा डे एट ले सो दैट वी कैन विजिट दिस ब्यूटिफुल प्लेस. एंड ऊपर से जो व्यू लग रहा है ना ये ऑलमोस्ट सिमिलर टू द शांति स्तूपा कैफे. देख लो आप लोग बोलो कमेंट बॉक्स पे मैं ठीक बोला कि नहीं. दिस इज द टिक्से मॉनेस्ट्री एंड दिस इज द एंटायर ले टॉप व्यू. इधर व्यू कुछ रेगिस्तान जैसा है और इधर पूरा ग्रीनरी. दैट इज द ब्यूटी ऑफ ले. ये जो टिक्से मॉनेस्ट्री है इट इज क्वाइट सिमिलर टू द पोटाला पैलेस ऑफ लासा तिब्बत. तो उससे मिलता जुलता है. Tikse Monastery is located at an altitude of 11,800 feet in the Indus Valley and it is a 12-story complex and houses many items of Buddhist art such as stupa, statues, wall paintings and swords are everything inside. So inside Tikse Monastery we are lucky enough to witness all the Buddhist monks who are chanting prayers. Like we are fortunate also like we are given permission to shoot inside. Otherwise in the Hemis Monastery also inside videography photography is not allowed. But yahan pe allow kiya. Aap log bhi dekh pa rahe ho uske wajah se ye footage on my YouTube channel. Bahut hi khoobsurat hai. So niche seedhiyon se chadhte hue abhi hum log Tikse Monastery ke ekdam chhat pe hai. और छत से एकदम क्लियर व्यू. नो ऑब्स्टेकल्स नथिंग. और नीचे हाईवे वहाँ से गाड़ी भी जा रहा है और दूर पहाड़ों में बर्फ भी गिरा है तो इट इज टोटली कवर्ड अंडर स्नो ऑन द टॉप ऑफ दोस माउंटेन्स. एज पर द पैकेज जब भी आप लद्दाख पे आओगे तो पहले दिन ये लोग लेके जाएंगे टुवर्ड्स मैग्नेटिक हिल देन इंदस जंसकर कन्फ्लुएंस पॉइंट एंड ऑल. बट अगर मेरा मानोगे तो पहला दिन यू शुड विजिट दिस मॉनेस्ट्रीज बिकॉज क्या होता है ना वो सब विजिट करने के चक्कर में आपका लेह का दो दिन कवर हो जाएगा बिकॉज ऑफ दैट 48 आवर्स ऑफ एक्लेमेटाइजेशन रूल. देन ये सब मॉनेस्ट्रीज वगैरह आपको मिस हो जाएगा. तो मैं ये नहीं चाहता. तो इट्स बेटर इफ यू विजिट दिस मॉनेस्ट्रीज ऑन द वेरी फर्स्ट डे.
मॉनेस्ट्री से थोड़ा आगे टुवर्ड्स ले आपको ये से पैलेस दिखेगा। इसका स्पेलिंग है शे, एस एच ई वाई। ये से पैलेस भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट है, बट अभी हम लोगों का थोड़ा टाइम लिमिटेड है तो अंदर जा नहीं पा रहे हैं, बाहर से फोटो उठा रहे हैं। सो इन आवर ले लद्दाख डायरीज वी हैव स्टॉप्ड एट द लास्ट पॉइंट। बोलने में भी मेरे को बहुत दुख हो रहा है, बट ये दिया दिस इज द लास्ट स्टॉप फॉर इन आवर ले लद्दाख डायरीज, दैट इज द सिंधु घाट। यहाँ से इंदस रिवर फ्लो हो रहा है बहुत नज़दीक से, तो यहाँ पे घाट जैसा बना के रखे ये लोग, देख लो। हेलो, से हाय। आपका YouTube चैनल है? यस। नाम? द बॉन्ग वेफेयरर। बॉन्ग वेफेयर, वेफेयरर। आप लद्दाख के रहने वाले हो? जी। यहाँ के रहने वाले हो? तो यहाँ पे क्या करते हो? साइकिलिंग कर रहे हो? यहाँ पर साइकिलिंग। अच्छा, वैसे देखा जाए तो ये घाट को ये लोग बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, कोई एंट्री फीस वगैरह नहीं है, बट बहुत अच्छे से मेंटेन है, यही देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। लेट्स डू सम साइकिलिंग। With that said, आज के लिए व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड हियर आई एम गोइंग टू कंक्लूड द एंटायर लेह लद्दाख सीरीज। इट वॉज अ हेल ऑफ अ जर्नी, सो नाइस, सो अमेजिंग, मतलब मैं बोल के बयान नहीं कर सकता। आप लोग वीडियो में देखो, और आपका कोई क्वेश्चन हो, फीडबैक हो, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, दे डू सब्सक्राइब माई चैनल द बॉन्ग वेफेयरर टू स्टे अपडेटेड फॉर आवर अपकमिंग ब्लॉग्स। एट द सेम टाइम इफ यू हैव एनी क्वेरीज, डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम एस आई एम रॉय 92। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय फ्रॉम लेह लद्दाख। I'm already ready to